जब आप रामायण महाभारत पढ़ोगे, जब आप वेद उपनिषद दर्शन को पढ़ोगे, तो हमारे धर्म का सच्चा स्वरूप आपको पता चलेगा। और कोई भी विधर्मी आपके धर्म के बारे में गलत अवधारणा दे रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप पूरी ज्ञान पूर्वक और पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको रोक सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि आप ये गलत बात कह रहे हो। हमारे धर्म में इस प्रकार की प्रमाण सहित आप उसको रोक सकते हो कि धर्म के अंदर कोई भी गलत बात है नहीं। तो ये सब कुछ ज्ञान से ही होता है। आपको श्री राम श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, उनके सच्चे स्वरूप को जानना चाहिए। आजकल सीरियल्स के अंदर, मूवीज के अंदर बहुत ऊटपटांग तरीके से उनके चरित्र को बताया जाता है। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने चरित्र को किस प्रकार से श्री राम और श्री कृष्ण के सच्चे स्वरूप के साथ जोड़ सकें और अपने जीवन को उन्हीं की धर्म स्थापना वाले मार्ग को आगे लेकर चलें और अपने धर्म की पुनः स्थापना करें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन गुरुकुल जाकर इन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट हनुमान गदा से करेंगे प्रैक्टिस। ये आप देख रहे हैं हनुमान गदा। हनुमान गदा, इसका वेट ऊपर की तरफ रहता है पूरा, और इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप पीछे ले जाते हो तो ये इस तरह से स्विंग करती है। जब आप पीछे जाओगे तो ट्राइसेप के ऊपर पूरा स्ट्रेच आएगा, आगे लाओगे तो आपकी फोर आर्म और बाइसेप के ऊपर अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा आपको। Mm-hmm.